Sumit Group is introducing Avantage platform. The key intention and objective of this platform is to make residency and permanent residency in Turkey easier and affordable. तो हम जो है इस वक्त इंडिया के रोड शोज पे हैं, बेंगलोर औरंगाबाद में हम हैं, इसके बाद हैदराबाद में भी हम सेमिनार कर रहे हैं. द ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं टर्की में, कैसे अवंताज प्लेटफॉर्म का हम फ़ायदा ले सकते हैं, और टर्की के इमिग्रेशन या परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप को जो है हासिल कर सकते हैं. क्या इन्वेस्टमेंट करना है और क्या बेनिफिट मिलने वाला है? जी, हम इस वक्त दो प्रोजेक्ट्स ले आए हैं अवंताज के प्लेटफॉर्म के ज़रिए. एक रियल स्टेट का प्रोजेक्ट है जिसमें आप 59,500 $ इन्वेस्ट करके शेयर होल्डिंग ले सकते हैं कंपनी में. शेयर होल्डिंग आपकी जो है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंड नोटराइज्ड होगी, चेंबर ऑफ कॉमर्स से इसका जो है गजेट इशू होगा, and you will become the owner of the assets owned by the company itself, ensuring the safety and security. इसके अवज में आपको permanent residency मिल सकती है, आपको और आपकी family को, बच्चे जो 18 years के below हैं उनको भी जो है एक ही application में जो है process किया जाता है. दूसरा project agriculture से है जिसमें आप एक walnut farm को ले सकते हैं. इसमें $75,000 का है, इसमें दो installments में आप payment कर सकते हैं. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट $45,000, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट $30,000 का आप 3 महीने में कर सकते हैं. इसमें भी जो है बहुत फ़ायदे हैं. ये प्रोजेक्ट, ये जो ज़मीन है वॉलनट का फॉर्म है, वो 48 ईयर्स तक आपको कंटिन्यूस इनकम देगा. 34 साल से 117% आपको 10-year एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है इसमें. इसमें भी आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी अपनी और अपनी फैमिली के लिए. तो ये मेन बेनिफिट्स हैं. अब परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के बाद क्या बेनिफिट्स वहाँ पर मिल सकते हैं आपको? फ्री हेल्थ केयर है आपके लिए, बेहतरीन जो है टर्की का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ पर, बेहतरीन स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो ये सारी चीज़ों का परमानेंट रेजिडेंस फ़ायदा उठा सकते हैं. आपका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? इस्तांबुल से टर्की में हम मिडल ब्लैक सी रीजन में तोकात प्रोविंस में बेस्ड हैं. हमारा हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है बिकॉज दिस एरिया इज़ अ हाई ग्रोथ एरिया. यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ हो रही है एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं, रिटर्न्स अच्छे हैं. तो एंड यहाँ की और खासियत ये है कि लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं. तो एक नया है टर्की में हम मिडल ब्लैक सी रीजन में तोकात प्रोविंस में बेस्ड हैं. हमारा हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है बिकॉज दिस एरिया इज़ अ हाई ग्रोथ एरिया. यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ हो रही है एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं, रिटर्न्स अच्छे हैं. तो एंड यहाँ की और खासियत ये है कि लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं. तो एक नया करेंसी में कितना हो सकता है इन्वेस्टमेंट? देखें $60,000 का तकरीबन आई थिंक 45 लाख होते हैं. $75,000 के तकरीबन आई थिंक 80 का चल रहा है रेट. तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट जो है कितना होगा. सर अक्सर देखा जाता है कि सरमायाकारी की जो स्कीम्स हो रही है, पूंजी स्कीम जी, तो कई सारे लोग फ्रॉड करते हैं, तो क्या लोग आपके पास इन्वेस्ट करेंगे या फिर वो डरेंगे? आपके पास क्या है? देखिए इसमें जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मैकेनिज्म बिल्ट इन है. आप जो है कंपनी में शेयर होल्डर बन रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सारे जो एसेट्स कंपनी ओन करती है. हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं एसेट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं. तो आप जैसे कि फार्म का जो प्रोजेक्ट है आपके नाम पर ज़मीन होगी तो एनी टाइम आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हैं. तो ये सेफ्टी मैकेनिज्म है. जब आप शेयर होल्डर कंपनी में बनते हैं तो आपकी जो शेयर होल्डिंग डीड है वो गवर्नमेंट की तरफ से नोटराइज्ड होती है. दूसरी चीज़ चेंबर ऑफ कॉमर्स उसका जो है गजेट इशू करती है. एंड एज अ शेयर होल्डर you're becoming the owner of all the assets owned by the company. That is the safety and security. Unlike other schemes that aapne jo bataya, wo usme jo hai aisi safety and security ke jo mechanisms hain wo built nahi hai. Aapne paisa de diya, unhone promise kar diya, 6 mahine tak dete rahe, uske baad mein phir gayab ho gaye. To yahan par koi safety and security nahi hai. Yahan par jo hai aap shareholder ban rahe from day one. You're becoming the owner of the assets owned by the company. एंड हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो है एसेट बेस्ड हैं.
तो इसमें जो है ये सेफ्टी है। यहाँ पे जो इंडिया में रोड शो किया, तो उसका रिस्पांस कैसा? बेहतरीन रिस्पांस रहा, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हुआ तरक्की के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो मिसकंसेप्शंस थे, जो मिसपरसेप्शंस थे, वो भी जो है क्लारीफाई हो गए। बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन रहा हमारा। औरंगाबाद में कितने लोगों से आप मिले? कल हमारा सेमिनार काफ़ी वेल अटेंडेड रहा, तकरीबन 100 के ऊपर लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबके साथ जो है मुलाकात हुई, बाद में सेमिनार के बाद डिस्कशन रहा, तो इंशाल्लाह फिर हम आएंगे और ये ताल्लुक़ बना रहेगा इंशाल्लाह।